यदि आप बिग बॉस के प्रशंसक हैं, तो शायद आपको लगता है कि आप उस घर के अंदर और उन कैमरों के पीछे चलती सभी चीजों को जानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम आपको बिग बॉस की 5 ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई के बारे में बताएंगे जो आपके इस शो के प्रति सारे भ्रम तोड़ देंगे। नो ब्लाइंड स्पॉट्स हियर। बिग बॉस एकमात्र ऐसा शो है जो लगभग 80 कैमरों का उपयोग करता है। वास्तव में घर के अंदर 2 तरह के कैमरे लगाए गए हैं, रोबोटिक और ट्रैक कैमरा। रोबोटिक वाले कैमरे को कमरे के अंदर रखा जाता है, जबकि ट्रैक कैमरा बाहर स्थापित होता है। प्रतियोगी इन 80 से अधिक कैमरों की पूरी निगरानी में रहते हैं। क्लीनिंग स्टाफ डज ऑल द टाइडिंग अप, नॉट द कंटेस्टेंट्स। आप देख सकते हैं कि सभी प्रतियोगी घर को साफ रखने के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह ज्यादातर नकली है। वह यहां और वहां थोड़ा सा साफ करते हैं, और घर की सभी प्रमुख सफाई वास्तव में किराए पर कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। प्रतियोगियों को बाहर की दुनिया के साथ बातचीत और इंटरैक्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती। मैग्नेटिक गेट द्वारा कमरे बंद किए जाते हैं और कमरों की सफाई स्टाफ द्वारा की जाती है। A lot of alcohol controversies and bitching is edited out. Bigg Boss हाउस के चारों ओर कैमरे हैं। आप सोचते होंगे कि आप सब चीजें देख रहे हैं जो वहां चलती है। इस बात का प्रॉमिस करो। हाँ करो। मेरे लिए। नहीं। एक बार। नहीं। एक बार। मेरे साथ। एक दिन या 2 दिन का कुछ हो तो। लेकिन प्लीज मुझे आपका ये भ्रम भी तोड़ने दे। बाली तो है। आप केवल वही देख सकते हैं जो चैनल आपको दिखाना चाहता है। इसलिए अगर प्रतियोगी एक दूसरे के साथ कभी बहुत इंटीमेट हो जाते हैं, तो दुर्भाग्य से आपको इसका एक संस्करण यानी एडिटेड वर्जन ही दिखाया जाएगा, या शायद कुछ भी नहीं। इसके साथ वह दुर्व्यवहार के भी अधिक उदाहरण। यहाँ पर औकात क्या है तुम्हारी? सॉरी भाई, तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? लेकिन यदि सलमान खान अम्मी का नाम खराब करोगे, मौले का नाम जीवन के बारे में बात करते हैं, और क्या बोलोगे कि बच्चों के लिए आया हूं यहां पर? नल्ले डॉन, कसम खुदा की, तेरे कुत्ता ने बना दिया ना, मेरा नाम सलमान खान है। तो यह सीन काट दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय टीवी पर इसके बारे में पता नहीं चलेगा। बिग बॉस हाउस इज हॉन्टेड। सूत्रों के मुताबिक बिग बॉस हाउस में पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की गई। ओह माय गॉड, ये कैसे देख रही है? प्रतियोगियों और बिग बॉस दल द्वारा कुछ असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया गया है। भाईजी, भूत आ गया अंदर, पोजेस हो गए। कई लोग वास्तव में एक महिला को उनकी छाती पर बैठने की छाया को महसूस कर रहे थे। वह उन्हें दबाने की भावना दे रही थी। कुछ चालक दल के सदस्यों और प्रतियोगियों ने एक महिला की तरह लग रही परछाई को देखा था। यह साया प्रतियोगियों के लिए एक क्षणभंगुर दर्शन था। कल्पना कीजिए कि अगर एक कैमरे ने वास्तव में इस छाया को पकड़ लिया, तो यह कितना दिल दहलाने वाला दृश्य होता। टीआरपी के लिए एक भूत क्या क्या कर सकता है, खुद सलमान खान भी मैच नहीं कर सकते। बिग बॉस के हर सीजन के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि सलमान खान अगले शो में भी मेजबानी करेंगे या नहीं, लेकिन किसी तरह शो के निर्माता हमेशा सलमान को वापस लाने का प्रबंध कर ही लेते हैं। शो के लिए सलमान केवल एक ही सप्ताह में शूट करते हैं, और निश्चित तौर पर प्रत्येक एपिसोड के लिए लगभग 8 करोड़ लेते हैं। यह पिछले सीजन के मुकाबले 3 गुना अधिक है। सलमान खान के पास एक स्क्रिप्ट राइटर भी है, जिसे सलमान ज्यादा भाव नहीं देते। जो कुछ सलमान चाहते हैं वह वही बोलते हैं,
प्रत्येक एपिसोड की एक डीवीडी सलमान को भेजी जाती है और वह देखने के बाद सलमान खान खुद तय करते हैं कि वह अब इस पर कंटेस्टेंट से क्या बात करेंगे। खैर अब आप जान ही चुके होंगे कि असली बिग बॉस कौन है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।